हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार किचन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग रोल की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप जितना मैदा, साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल और जरूरत के हिसाब से मैंने लिया है पानी, ये गुनगुना पानी है। और इसके साथ ही मैंने लिया है 1/4 चम्मच चीनी, पीसी हुई चीनी है ये, और 1/2 मैंने नमक का यूज किया है। यहाँ पर मैंने लिया है खीरा, जिसे बारीक बारीक स्लाइस में काटा हुआ है, और प्याज को भी मैंने ऐसे स्लाइस में काट के तैयार कर लिया है। इसके साथ ही मैंने लिया है हरी मिर्च और ये धनिया पत्ती बारीक काट लिया है। 3 अंडे का यूज कर रही हूँ मैं इसे बनाने में। चाट मसाला ले लेंगे, नमक को आप स्वाद के अनुसार लें, एक काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल का यूज यहाँ पर भी कर रही हूँ मैं, रेड चिली सॉस और टमाटो केचप। बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने बाउल में ये मैदे को डाल लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया ये चीनी, नमक, 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इसे कुछ सेकंड के लिए सूखा ही मिला लेना है, ताकि इस पूरे मैदे में तेल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिला लिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्टिकी डो बना के तैयार करना है। ज्यादा गीला नहीं करना डो को। इस तरीके से इसका हथेलियों की सहायता से गूंथ के डो टाइप से बना के तैयार कर लेंगे। तो तैयार हो चुका है सॉफ्ट डो बनके हमारा। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, मिला लेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद इसे ढक के रख देते हैं। 20 मिनट बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ये बिल्कुल सेट हो चुका है डो बनके हमारा। अब हम इसकी 2 लोई बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, उसी तरीके से बनाना है इसे। ये बना ली हमने। अब हम थोड़ा सा तेल लगाते हुए इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैदे को बेलते वक्त क्या होता है, ये सिंक होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे जितना हो सके उतना बेलना ऐसे। ताकि इसे सिंक होने का मौका ही ना मिले। इस तरीके से बेलने से देखिए, मैंने रोटी के समान इसे बेल के तैयार कर लिया है। दूसरी रोटी को भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। रोटियां तुम्हारी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम ये अंडे की वो फोड़ के इसे फेंट लेते हैं। अंडे फोड़ लिए, ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार और इसे फोक की सहायता से इस तरीके से फेंट लेना है। ये अंडा भी फेंट के तैयार हो चुका है। अब हमने पैन ले लिया, हमने इसमें डाला तेल, हल्का सा तेल डाल लिया है। तेल को फैला देना है। फैलाने के बाद हमने जो रोटी बना के तैयार की है उसे डाल लेंगे और रोटी को हमें मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। ऐसे प्रेस करते हुए सेकने से ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा लेंगे हल्का सा, जिससे कि मैदा पूरी तरीके से अंदर से पक जाए। और ऐसे प्रेस करते हुए दोनों साइड से इसे सेक लेना है।
चारों ओर से प्रेस करते हुए इसे सेक लें। इसे तब तक सेकते हैं जब तक इसमें ब्राउन ब्राउन चिपटी आना स्टार्ट ना हो जाए। ऐसे पलट पलट के सेक लें। रोटी हमारी आप देख सकते हैं, निकाल लूंगी मैं इसे। सेम तरीके से हम दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। अब मैंने सेम पैन पे ये तेल डाल लिया 1 चम्मच। तेल को फैला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे फेटा हुआ अंडा और अंडे को कुछ सेकंड के लिए हमें पकने देना है। जब अंडा हमारा थोड़ा पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने जो रोटी सेकी हुई है उसे। इस तरीके से इसमें चिपका लेना है, ऐसे प्रेस करते हुए चिपका लें। जब आपको लगे कि अंडा भी नीचे सेट हो चुका है इसे पलट लेंगे। सेट होने के बाद ही अंडे को पलटे और इसे पलट पलट के फिर से सेक लेना है। देखिए ये तैयार है, निकाल लेंगे प्लेट पे। इसी तरीके से हम दूसरा एग भी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डाला ये खीरा, साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं ये प्याज। ऐसे बीच बीच में डाल लेंगे। ये डाला हमने ये रेड चिली सॉस। सॉस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये टमाटो केचप डाल लिया। ये डाला मैंने चाट मसाला। ये मैंने डाला ब्लैक पेपर पाउडर। हरी मिर्च डाल लेंगे। बच्चों के लिए बनाए तो हरी मिर्च को अवॉइड करें। हरे धनिये की पत्ती डाल ली। रस डाल लेंगे। इसे डालने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये फोल्ड कर लिया। अब मैं इसमें लगा लूंगी नीचे से फॉइल पेपर जिससे कि इसका मसाला अंदर से बाहर ना निकले, सेट हो जाए अंदर ही। ये देखिए ऐसे लगा लिया मैंने। ये एग रोल हमारा तैयार है। देखिए दोस्तों ये हमारा एग रोल बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।